दोस्तों, अगला जो है वो है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसके बारे में देखते हैं। ये है, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 gram equivalent of an acid. It is a change in enthalpy when 1 gram equivalent of an acid is neutralized completely. Neutralized completely. By 1 gram equivalent of base to give salt and water. जब 1 gram इक्विवेलेंट कोई एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है 1 gram इक्विवेलेंट ऑफ बेस से टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होती है वो होती है हमारी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है, यानी डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज लेस देन जीरो, ठीक है, राइट। अच्छा, बाय द वे, एक जल्दी से पहले हमने किए ही है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, याद दिलाने के लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स into the n factor, ठीक है, n factor of HCl acid में या फिर NaOH base में, that is equals to 1 complete neutralization में, n factor ऑफ एसिड के अंदर लाइक H2SO4 या बेस के अंदर फॉर एग्जाम्पल BaOH होल ट्वाइस, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 एंड एन फैक्टर ऑफ H3PO4, बेस के अंदर कोई एसिड ट्राई होता नहीं है सच, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। अच्छा, दो तीन बातें हैं, एन फैक्टर ऑफ NH3 में, NH3 को बोला हूं एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा NH4OH की तरह ही ट्रीट करो, वो हमारा 1 होगा। एन फैक्टर ऑफ बोरिक एसिड इज अ बिट कंफ्यूजिंग, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। सबसे पहला जो है वो है नेचर ऑफ एसिड, यानी क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर क्या वो वीक एसिड है, एंड बेसिस, क्या वो स्ट्रॉन्ग बेस है क्या वो हमारा वीक बेस है। दिस इज द मेजर फैक्टर दैट इफेक्ट्स डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। ऑन द अदर हैंड, दूसरा एक माइनर फैक्टर है, the concentration of acid oblique base। इसका रीजन ये है, हम लोगों ने
देखे हैं जो एक्चुअली नो एसिड ऑब्लिक बेस डिसोशिएट्स 100% whether it is strong or weak, it doesn't matter. Unless it is at infinite dilution. Concentration jitna zyada badhta hai, परसेंटेज डिसोसिएशन फ्रेंकली स्पीकिंग वो उतना ज्यादा कम होता है. बट क्वेश्चन में हम लोग इस चीज को हम लोग नेग्लेक्ट कर डालते हैं. ठीक है, तो मेजर फैक्टर जो है वो तो हमारा वो है जो एसिड हमारा स्ट्रांग है या फिर वीक है, और बेस जो है वो हमारा स्ट्रांग है या फिर वीक है. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, एग्जाम्पल एनी ओएच प्लस HCl. अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब हम बोलते हैं तो सिंपल सी बात है, हम ये मानेंगे जो बोथ डिसोशिएट्स 100%. ठीक है, बोथ डिसोशिएट्स 100%. अच्छा, बाय द वे इसका जो यूनिट होता है डेल्टा एच इक्विवेलेंट का यूनिट जो है वो होता है किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट और किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट. ठीक है ना. सो यहां पर जब हमारा NaOH और HCl होगा तो NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस, ये हमें देने वाला है NaCl एक्वस. ठीक है, प्लस H2O लिक्विड, और यहां पर जो हमारा बनेगा डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, दिस इज द डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन. अच्छा, NaOH जो है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोस्तों ध्यान देना, इट विल कंप्लीटली डिसोशिएट एज Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस. एंड HCl इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा H प्लस एक्वस प्लस सीएल माइनस एक्वस. एंड NaCl इज ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड, सो दिस ऑल्सो डिसोशिएट्स 100%. तो दिस विल गिव मी Na प्लस एक्वस प्लस सीएल माइनस एक्वस. तो जब मैं दोनों रिएक्शन को एड करूंगा तो दिस this gone, this gone, तो main reaction जो आएगा that is H plus aqueous plus OH minus aqueous, that will give me H2O liquid. So try to understand all fundamental neutralization reaction, all fundamental neutralization reaction can be simply considered as this only reaction. और ये जो मैंने लिखा हूं
this is completely independent of cation of base and anion of acid. तो मैं NaOH के साथ HCl डालू या KOH के साथ HCl डालू या KOH के साथ HBr डालू, इट रियली डजंट मैटर. सब में जो हमारा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी सेम. तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारा हमेशा कॉन्स्टेंट होगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 37 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट एंड दैट कैन बी ऑल्सो माइनस 57.3 किलो कैलोरी, सॉरी 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो अप्रोक्सीमेटली उतना ही आता है पर ग्राम इक्विवेलेंट. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करने पर पर मोल ऑफ एच प्लस एंड पर मोल ऑफ OH माइनस हमें इतना अमाउंट ऑफ हीट हर रिएक्शन पे मिलेगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटायन ऑन एनायन. ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, पर मोल ऑफ H2SO4 इन कंप्लीट टाइट्रेशन गिव्स 2 × 13.7, दैट विल बी इक्वल्स टू, दिस वन रिलीजेस 27.4 किलो जूल ऑफ हीट. ओके, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अच्छा, व्हाट अबाउट अगर दोनों में एक वीक हो, यानी पहले हम करना चाहेंगे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. सो मान लो हम फॉर एग्जांपल लेते हैं HCl प्लस NH4OH, ठीक है. सो HCl जो है वो तो हमारा दिस विल डिसोशिएट 100%, बट NH4OH क्योंकि एक वीक बेस है तो will not dissociate 100%. But हमें अगर एक मोल H plus मिला है तो एक मोल OH minus चाहिए तो होगी, तभी हमारा complete neutralization हो पाएगा. तो NH4OH को हमें completely तोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा. तो to ionize NH4OH completely, to ionize NH4OH completely, some energy has to be provided. और ये जो हम energy provide करेंगे, this is called enthalpy of
ionization. That is called the enthalpy of ionization, delta H ion. And this is always greater than zero, means this is always an endothermic step. So, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक बेस को लेकर चालू करूंगा तो ध्यान दो, रिएक्शन हमारे पास हो रहा है HCl aqueous प्लस NH4 aqueous, दैट इज गोइंग टू गिव मी NH4 Cl aqueous प्लस H2O लिक्विड. HCl aqueous plus NH4OH aqueous give me NH4Cl aqueous plus H2O liquid. And यहां पर जो हमारा reaction होगा उस पर होगा delta H neutralization. But the problem is, ये तो देखो कोई बिना effort करे ही H plus aqueous plus Cl minus aqueous में टूट जाएगा. इसके लिए तो हमें कोई एफर्ट नहीं चाहिए. बट NH4OH के लिए ऑब्वियसली बात है, इसको जब मैं तोड़ने जाऊंगा NH4 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, सो वी हैव टू रियलाइज ये वाला स्टेप करने के लिए हमें एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो तो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा. हाँ, बट NH4Cl एक आयनिक सॉल्ट है, वो आयनिक सॉल्ट तो हमारा 100% टूटता ही टूटता है, ये तो कोई नई बात नहीं है. तो NH4 प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस. एंड आफ्टर दैट इफ वी सी सिंपली दिस इज ऑल गॉन द रिडंडेंट कैटायंस एंड एनायंस, और ये वाला जो हमारा रिएक्शन बन जाएगा ये वापस हमारा वही बन जाएगा H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस गिव्स मी H2O लिक्विड. H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस गिव्स मी H2O लिक्विड. यहां पर ये रिएक्शन जो है वो वापस हमारा सेम बन गया है, राइट. तो अगेन द बॉर्नहेवर साइकिल के फंडा से मैं बोल सकता हूं जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो होगा दैट विल बी डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट. एंड ऑब्वियसली बात है हम यहां से देख सकते हैं, यहां से तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन मॉड विल बी लेस देन सिंपली 13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट. तो सिमिलरली अगर मान लो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है. एग्जाम्पल, CH3COOH ले लो जो कि एक वीक एसिड है, और साथ में NaOH ले लो जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है. तो यहां पर जो हमारा डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन होगा that will be equals to delta H ionization of CH3COOH minus 13.7 kilocalorie per gram equivalent. तो simply हम एक चीज लिख सकते हैं जो यहां पर भी mod of delta H neutralization will be less than 13.7 kilocalorie per gram equivalent.
और अब मान लो हमारे पास है वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये अगर मान लो हमारे पास है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम टाइट्रेट करना चाहते हैं CH3COOH प्लस NH4OH, अब यहां पर जो है दोनों को ही तोड़ने के लिए हमें बाहर से एनर्जी तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, तो सिंपली यहां पर जो मेरे पास डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन होगा दैट विल बी डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ CH3COOH प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, और ये ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा छोटा हमारा होने वाला है। तो इन जनरल अगर मैं बोलूंगा एसिड को अगर हम लिखते हैं HA और बेस को अगर हम लिखते हैं BOH, एसिड को अगर हम लिखते हैं HA, बेस को हम लिखते हैं BOH, तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन विल बी माइनस 13.7 डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ HA प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ BOH किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। अब मैंने यहां पे मोल लिख दिया गलती से, सॉरी, ग्राम इक्विवेलेंट। और ये दोनों का वैल्यू जो है, ये दोनों का वैल्यू जो है जीरो इफ स्ट्रॉन्ग, अगर वीक होगा तो इन दैट केस वैल्यू जो है वो हमें लिखनी पड़ेगी, वो हमें देनी पड़ेगी। सो दोस्तों, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल से तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके ओके, सो व्हेन वन मोल ऑफ H3PO4 एक्वस इज कंप्लीटली टाइट्रेटेड विद NaOH, हीट रिलीज्ड इज इक्वल्स टू 150 किलोजूल पर मोल ऑफ H3PO4, देन फाइंड द डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ H3PO4। अच्छा, H3PO4 में हम जानते हैं तीन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो H3PO4 एक्वस विल डेफिनेटली रिएक्ट विद 3 times NaOH, एंड टू गिव इट, सो यहां पर जो रिएक्शन में प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी, अच्छा सॉरी, ये भी एक्वस है, टू गिव द प्रोडक्ट Na3PO4 एक्वस प्लस 3H2O लिक्विड, दैट इज अ प्रोडक्ट। अच्छा, यहां पर H3PO4 जो है इसको डेल्टा एच आयोनाइजेशन प्रोवाइड करते हुए मैं कन्वर्ट करूंगा 3H प्लस एक्वस प्लस फॉस्फेट एक्वस, एंड उसके बाद यहां पर जो है 3NaOH, तो 3 times Na प्लस एक्वस प्लस 3 times OH माइनस एक्वस, ये बन जाएगा मेरा। और Na3PO4 पे अगर हम ध्यान दें तो ये मेरा बन जाएगा 3Na प्लस एक्वस प्लस फॉस्फेट एक्वस। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें ये हमारे पास आ जाएगा, तो सिंपली हमारे पास हो जाएगा 3H प्लस एक्वस प्लस 3OH माइनस एक्वस गिव्स 3H2O लिक्विड।
अच्छा ये वाला रिएक्शन पे तो हम जानते हैं, ये वाला रिएक्शन का जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन होती है वो होती है -57.3 किलो जूल पर मोल, पर मोल ऑफ हाइड्रोजन ग्राम इक्विवेलेंट। पर यहां पर हमारे पास तीन एच प्लस है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ये वाले रिएक्शन में डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन होगा -3 × 57.3 किलो जूल पर मोल, सो दैट विल बी 171.9 किलो जूल पर मोल। बट इट रिलीज जो हुआ है वो केवल और केवल 150 हुआ है। तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, जो डेल्टा एच आयोनाइजेशन है -171.9 = -150। तो डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन हमारे पास सिंपली आ जाएगा 21.9 किलो जूल पर मोल। डोंट वरी, 57.73 का जो डेटा है वो तुम्हारे दिया हुआ होगा एग्जाम में, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, ठीक है, उसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वन मोल ऑफ एक्वस NH3 व्हेन टाइट्रेटेड विद HCl, तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कम्स आउट टू बी -12 किलो जूल पर मोल, एंड वन मोल एमोनिया व्हेन टाइट्रेटेड विद HCOOH, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज -10 किलो जूल पर मोल। फाइंड द डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ NH3 एंड HCOOH द फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अच्छा ऑब्वियस सी बात है NH3 कुछ होता ही नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली NH4OH, यानी इन एक्वस मीडियम NH3 टू बी ट्रीटेड एज NH4OH। सो मैं पहला क्वेश्चन का डेटा जो है उसको इस्तेमाल करते हुए मैं एक चीज तो डायरेक्टली लिख सकता हूं, जो मेरा -12 है दैट इज -13.7 प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH, क्योंकि HCl तो स्ट्रॉन्ग है हमारा। तो सिंपली ये वाले डेटा से मुझे एक चीज तो एक लाइन पे ही मिल गया, जो डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH is simply equals to 1.7 kilocalorie per mole. And now for the second titration, both are weak. तो दोनों weak के केस में हमारा क्या होता है? तो दूसरे वाले केस के लिए हम बोल सकते हैं जो -10 will be -13.7 plus a delta H ionization of NH4OH plus the delta H ionization of HCOOH, ये तो मैं सेफली लिख सकता हूं। So simply what I can say is 3.7 डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH दैट इज 1.7 प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इज सिंपली इक्वल्स टू 2 किलो कैलोरी पर मोल। ये डेटा मेरे ख्याल से यहां पर समझ में आ चुका है। ओके ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, जो हमारा डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन है वो डेटा यूज मत करो, उसको निकालने का ट्राई करो। तो क्या बोला है, जो 200 ml 1 मोलर HCl और 400 ml 0.5 मोलर NaOH जो है वो हमने साथ में मिक्स कर दिए हैं। तो मिक्स करने पर जो हमारा टेम्परेचर में राइज हुआ सोल्यूशन का वो हुआ 4.5 डिग्री सेल्सियस। कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट जो है वो दे रखा है 12 ग्राम,
सोल्यूशन का डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द सोल्यूशन टेक इट एज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. तो वी हैव टू फाइंड द डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अच्छा बाय द वे एक चीज अगर हम ध्यान दें यहां पर 200 ml 1 मोलर H प्लस यानी 0.2 मोल्स HCl लिया हूं प्लस 0.2 मोल्स NaOH लिया हूं. तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा टाइट्रेशन हुआ है वो टाइट्रेशन हमारा हुआ है 0.2 मोल्स स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का. अच्छा टोटल वॉल्यूम जो है वो है मेरा 600 ml. नथिंग इज स्पेसिफाइड सो वी विल सिंपली एड द वॉल्यूम. तो इसका जो मास हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 600 ग्राम. सो डेल्टा क्यू जो होगा दैट विल बी ms डेल्टा टी प्लस वॉटर इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा टी. एम इन टू एस इज सिंपली 600. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 612 इंटू 4.5 कैलोरी. ठीक है तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो दिस इज 306 × 9 2754 कैलोरी. ये हमारा हुआ है और ये जो हमारा हीट हुआ है ये 0.2 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आया है. तो पर मोल स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जो हमारा डेल्टा क्यू आएगा दैट विल बी 2754 इतना कैलोरी. तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा 2.754 × 5 किलो कैलोरी. ये 2 हो गया ये 7 5 13.57 किलो कैलोरी आ जाएगा मेरे पास. ठीक है सो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है काफी अच्छा आया है. आता कितना है 13.7 आता है तो 13.57 आया दैट्स प्रीटी फाइन नॉट एन इश्यू. एम आई डन करेक्ट? नो सॉरी ये 7.7 आएगा. सॉरी अब बहुत ही बढ़िया आया है इनफैक्ट. तो हम सिंपली एक चीज देख सकते हैं जो हमारा डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन होगा 13 points per gram equivalent. Okay?